बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जस्ट अभी रिलीज हुआ है दे दे प्यार दे का ट्रेलर, और देख के ट्रेलर दिल खुश हो गया। एक सिंपल लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म जिसमें अजय देवगन साहब का तड़का है, लव रंजन का अपना अलग टच है, और साथ ही साथ दो खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। 17 मई को रिलीज होने वाली है देवगन साहब की, अजय देवगन साहब की दे दे प्यार दे। आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष पर इस फिल्म का ट्रेलर कर दिया गया है रिवील, जो कि देखने में स्पेक्टेकुलर लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म लग रहा है। देखिए, लव रंजन, सोनू के चीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2, आकाशवाणी जैसी फिल्म्स बना चुके हैं। इनकी फिल्में कम बजट की होती हैं, लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है, हर एक कैरेक्टर के अपने कॉमिक पंचेस होते हैं और हर एक कैरेक्टर की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, और इस ट्रेलर के अंदर ऐसे ही देखने को मिलता है। अजय देवगन साहब का कैरेक्टर जो कि 50 है, उसको प्यार होता है 24 इयर्स की अपने से छोटी लड़की के साथ, जो कि राकुल प्रीत सिंह है। ठीक है, अब ये जो है ये डिवोर्सी मैन है, ये सेपरेट हो चुका है अपनी वाइफ से और ये उसके प्यार में पड़ जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे दोस्तों इस तरीके का मिलना जुलना दोनों के बीच में, वो किस तरीके से उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन सेकेंड हाफ इस फिल्म का ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिलेरियस कॉमिक राइड होने वाली है। क्यों? क्योंकि अजय देवगन और राकुल प्रीत सिंह को ज्वाइन करेगी दोस्तों तब्बू का कैरेक्टर, जो कि उनकी एक्स वाइफ है। फिर उसके बाद जो छेड़खानी होगी, जो मस्ती होगी, वो फिल्म के अंदर देखने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं आकिफ अली, ये उनकी पहली फिल्म है और डायरेक्शन के मामले में उनकी पहली फिल्म है और देखने में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। याद है जब इस फिल्म का पोस्टर आया था, तो एक तरफ हम ओल्ड विंटेज कार देख रहे थे जिसमें कि तब्बू बैठी हुई है, और एक तरफ न्यू चमचमाती हुई गाड़ी देख रहे थे जिसमें कि राकुल प्रीत सिंह है और अजय देवगन, दोनों जगह बैलेंस करके चल रहे हैं। सो सेम ट्रेलर के एंड में भी कुछ ऐसा ही सीन है, और सेम वही ब्लू वाली कार में अजय देवगन, राकुल प्रीत और तब्बू बैठी हुई है, और आपस में तीनों के बीच में जो नोकझोंक चल रही है वो सुनने में मजेदार है। ओवर एंड ऑल मेरी तरफ से तो भाई थम्स अप, क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी लग रहा है। हालांकि ऐसा कुछ वाव फैक्टर वाली जो इफेक्ट होती है, जो कि अजय सर की फिल्म या तब्बू जी जब आती हैं तो होती है, तो नहीं है, लेकिन एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म होने वाली है, देखकर अच्छा लगेगा। कुछ कुछ सीन्स जो है ट्रेलर के अंदर जो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली अजय देवगन जिस तरीके से वो चेस्ट हिलाते हैं वो वाला पोर्शन, जावेद जाफरी की एंट्री जो कि एक कॉमिक रिलीफ देते हैं, सैफ करीना का एग्जाम्पल, और लास्ट का ये सीन देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। वेट कीजिए 17 मार्च का। मेरी तरफ से तो भाई आपने सुन लिया, थम्स अप है। आपकी तरफ से क्या है, आपको कैसा लगा ट्रेलर? क्या आपको भी हंसी आई ट्रेलर देख के? क्योंकि बहुत ही सटल वे में कॉमिक पंचेस डाले गए हैं फिल्म के अंदर। सुपर एक्साइटेड। और सोनू के टीटू की स्वीटी की टीम इसमें आ गई है दोस्तों, तो ये देखना ज्यादा अच्छा होगा, स्पेशली वो दादी और आलोक नाथ जी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बने रहिए मेरे साथ। तब तक आप मुझे दे दे प्यार दे की जगह दे दे कमेंट दे नीचे कमेंट सेक्शन में। टेक केयर।